कि जो आर्किटेक्चर बनाए जाते थे उनका डेकोरेशन करने के लिए जो हिंदू स्टाइल, जो इंडियन स्टाइल थे उसको भी यूज में लिया जाने लगा, और जो इस्लामिक स्टाइल थे उनको उसको भी यूज करने यूज किया गया, और इन दोनों को मिक्स करके जो स्टाइल अपनाई गई उसको अरबक स्टाइल कहते हैं। चूंकि इस्लाम में प्राणियों के चित्रण को मान्यता प्राप्त नहीं थी, जो इस्लाम आर्किटेक्चर है उसमें जो प्राणी है जो उनको नहीं बनाया जाता था, उनका पिक्चर नहीं बनाया जाता था, इसलिए डेकोरेशन में सबसे ज्यादा जो लीफ फ्लावर और जो ज्योमेट्रिकल शेप है उनका ही ज्यादा यूज किया गया था, जिसके तहत कमल, स्वास्तिक, कलश, कुरान की आयतों और घंटियों का भी प्रयोग किया गया, क्योंकि ये हिंदू इस्लामिक स्टाइल को भी यूज किया और इस्लामिक स्टाइल को भी यूज किया था, इसलिए इसमें ज्यादा कमल के जो फूल हैं उनको, स्वास्तिक, कलश, कुरान की आयतों और घंटियों का प्रयोग किया गया कि इसमें डेकोरेशन करने में। अतः इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला में धार्मिक एवं धर्म निरपेक्ष पहलू शामिल है, जो कि हिंदू और इस्लामिक शैली के सम्मिश्रण को स्पष्ट छाप छोड़ते हैं। ये हमारा चैप्टर 8 है, उसमें आप देखिए आपका पेज नंबर होगा 109। ईसा की 7वीं और 8वीं शताब्दी यानी ईसा की जो 7 और 8 सेंचुरी है उसमें इस्लाम धर्म स्पेन और भारत की ओर फैला। भारत में इस्लाम विशेष रूप से मुस्लिम सौदागरों, व्यापारियों, धर्म गुरुओं और विजेताओं के साथ आया था, जो यहाँ लगभग 600 वर्षों तक समय समय पर आते रहे। वैसे तो मुस्लिम लोगों ने ईसा की 8वीं शताब्दी से ही सिंधु, गुजरात आदि प्रदेशों में इमारतें निर्माण बनाने का काम शुरू कर दिया था, मगर बड़े पैमाने पर भवन निर्माण का कार्य ईसा की 13वीं शताब्दी यानी कि 13वीं सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था। वहां तुर्कों का शासन स्थापित हो जाने के बाद ही शुरू हुआ, जब उन्होंने देने योग्य पहलू यह रहा कि मुस्लिम शासकों ने स्थानीय
शुरू करवा दिया था। विश्व के अनेक भागों पर भागों की तरह भारत में भी वास्तुकला भवन ऐसे लोगों द्वारा बनाए गए थे जिनके पास धन इकट्ठा हो गया था। उत्तरी कर्म से देखें तो शासक और सामंत तथा उनके परिवार सौदागर व्यापारी और उनकी श्रेणियां ग्रामीण संभाग वर्ग और किसी पंथ के अनुयायी गण थे। इंडो इस्लामिक वास्तुकला पर सीरियाई फारसी तुर्की प्रभाव के स्पष्ट देखे जाते हैं, लेकिन भारतीय जो वास्तुकलात्मक तथा अलंकारिक शैलियों तथा सोचों में भी इंडो इस्लामिक संरचना तथा निर्माण कार्य को अत्यधिक प्रभावित किया। इसके अलावा सामग्रियों की उपलब्धता, संसाधनों तथा कौशलों की परिसीमा और संरक्षकों की सौंदर्य अनुभूति ने भी इस वास्तुकला का पर्याप्त प्रभाव डाला। अन्य देशों की तरह मध्यकालीन भारत के लोगों के लिए धर्म और धार्मिकता बहुत महत्वपूर्ण थी, फिर भी उन्होंने दूसरे के वास्तुकलात्मक तत्वों को उदारतापूर्वक अपनाया। शैलियों के प्रकार कैटेगरीज ऑफ स्टाइल्स, कौन कौन से स्टाइल्स यूज किए जा रहे थे उनकी कैटेगरीज देखेंगे। इंडो इस्लामिक वास्तुकला को परंपरा की दृष्टि से कई श्रेणियों में बांटा जाता है, जिसके नाम शाही शैली, दिल्ली सल्तनत, प्रांतीय शैली मांडू गुजरात बंगाल और जम्मू, मुगल शैली और दक्षिणी शैली। ये श्रेणियां वास्तुकलात्मक कार्यों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई, इसलिए इन्हें अपवर्तनीय खांचों में बांधकर नहीं रखा जाता। उदारतापूर्वक ग्रहण और प्रभाव आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस भारतीय